Hello everyone, this is Priya and welcome back to my channel. और देखिए मैं आई हूँ छत पे। छत पे जो है बहुत ठंडा मौसम है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और बारिश हुई थी ना अभी कल परसों, तो उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है और हवा चल रही है। वैसे मैं अभी नहा कर आई हूँ, नहाने के बाद जो है ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, थोड़ी देर में और लगेगी जब हम लोग कंबल में घुस जाएंगे तो। लेकिन मौसम जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप नहीं होती और ऐसा मौसम होता है ना गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश होने के बाद ना ठंड थोड़ी कम लगती है ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अब असलियत यह है। लेकिन हवा चल रही है और हल्की हल्की सी जो है ना, बिल्कुल हल्की हल्की सी गर्माइश भी है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है छत पे। देखिए ऐसे मौसम में जो है ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है, अच्छा मतलब कि चटपटा कुछ, जैसे पकौड़े वकौड़े। वैसे तो बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे हैं, हस्बैंड भी कह रहे हैं कुछ बना लो, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जाके नीचे बना लेती हूँ कुछ, जो भी रखा होगा देखती हूँ क्या क्या रखा हुआ है उसके हिसाब से बनाऊँगी। थोड़ा सा खाना खा के छत पर टहलना बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा सुहाना सा हो जाता है, बहुत मन करता है कि ऐसे बैठे रहो। हवा तो चल रही है लेकिन हवा में जो है ना वो बड़ी ठंडी लग रही, जैसे एक होती है ना बर्फीली जो हवा होती है वो वाली नहीं है, अच्छा वाला मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे टहलने में। कपड़े भी सूख रहे हैं, गीले हैं काफ़ी, हवा से सूख ही जाएंगे। अभी भी वैसे बारिश का मौसम लग रहा है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, देखते हैं कैसा होगा। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, खाना मेरा हो ही चुका है और बस अब शाम का जो है देखेंगे क्या है, जो सब्जी रखी होगी वही बनाऊंगी। अभी पहले स्नैक्स में देखती हूँ वो क्या बनाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों के मुझे बनाए हुए भी, वैसे मौसम में तो मन कर ही जाता है। शाही टोस्ट तो मैंने बना ही लिया था कल, बच्चों को बहुत पसंद भी आया था वो, मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसे रबड़ी के साथ बनाऊंगी। अभी मैंने खोए के साथ बनाई थी तो उसका ब्लॉग भी जो है मैंने अभी एडिट कर दिया है, तो बस उसे अपलोड कर दूंगी। और अब ये वाला मेरा ब्लॉग चल रहा है, अभी वीडियो शूट ही गर्ज हो रही है, तो बहुत मन कर रहा था छत पे आने का, थोड़ी देर टहलती हूँ यहाँ पे और उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे, तब तक हो जाएगी शाम, हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर हम बनाएंगे स्नैक्स और जो भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए थोड़ी देर में घूम लेती हूँ अभी ऐसे ही। अभी जो कोरोना जो है काफ़ी पीक पे चल रहा है, काफ़ी केसेस हो चुके हैं, तो बस अब जो है एक आध दिन में लॉकडाउन भी लग जाएगा तो फिर तो घर पे ही रहना है, अभी तो घर पे ही है वैसे तो सब, बच्चे भी और हम भी। और जो है बच्चों की वैक्सीन जो है स्टार्ट हो चुकी है लगनी, मैंने भी लगवा ली है अपनी यहाँ बेटी के, आरुषि के
उसकी वैक्सीन लग चुकी है और दूसरा डोज जो है वो भी नेक्स्ट मंथ में लग जाएगा। वैक्सीन तो लगानी अब ज़रूरी हो गई है क्योंकि उसी से बचाव है और कुछ नहीं है। बाकी जो जो चीज़ें हैं, जो भी गाइडलाइन है उसे फॉलो करेंगे तो ही हम इस बीमारी को भगा पाएंगे। और बस ये नया साल जो है अब कोई ऐसी खबर ना लाए, अच्छी तरीके से निकल जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए, बस यही दुआ है। देखते हैं और आगे क्या होता है, ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा आया फेस जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है इस तरीके से, वरना कभी हमने इस तरीके की सिर्फ किताबों में पढ़ी थी कि महामारी आती है, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ये महामारी तो जो है काफ़ी टाइम तक चल गई, तीसरा साल हो रहा है इसका और जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं कब जाएगी। चलिए देखते हैं धीरे धीरे, इस पर भी रहते रहते आदत पड़ी गई है। बस ये है कि लोगों के काम धंधे जो है काफ़ी ठप हो गए हैं, बहुत मतलब बुरा लगता है जब लोगों के पास काम नहीं होता, बेरोजगारी होती है तो फिर जो है उनका कैसे घर चलते होंगे, यही मैं सोच सोच के थोड़ी सी परेशान भी होती रहती हूँ कि कैसे लोग अपना घर चला रहे होंगे, इनके पास कमाई का कोई ज़रिया ही नहीं है। छोटी मोटी नौकरी करते हैं, रोज़ जाते हैं, रोज़ कमाते हैं और काम ही नहीं होगा तो चाहिए वो अपना घर कैसे चलाएंगे। बस ये बीमारी ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये देखिए बादलों के बीच में से जो है सूरज निकलता हुआ, इसी की वजह से जो है थोड़ी बहुत गर्माइश महसूस हो रही है, हल्की हल्की सी कभी धूप निकल जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। अभी देखिए बादलों के बीच में सूरज है अभी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। ये देखिए हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ नीचे और चाय का टाइम हो रहा है। चाय के साथ साथ जो है मैं कुछ बनाने के लिए भी सोच रही थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े, क्योंकि घर में सब कुछ अवेलेबल है, ब्रेड भी है, पनीर भी है, आलू भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेड पकोड़े बनाने। और उसके लिए देखिए मैंने और आलू जो है बॉयल करके रख लिए हैं और जो कि अभी थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको मैश करूँगी। और ये देखिए पनीर के स्लाइस मैंने काट लिए हैं और इसके अलावा जो है एक कढ़ाई में जो है अभी तेल डाल के गरम कर लेंगे। बेसन को मैं अच्छे से घोल चुकी हूँ, इसमें मिर्च मसाले सब कुछ जा चुका है और जो जो जाता है, क्योंकि ब्रेड पकौड़ी की रेसिपी ज़्यादातर लोग जानते हैं तो इसलिए मैंने जो है रेसिपी ज़्यादा शो नहीं की है, बस जैसे बनाया है वही आपके साथ जो है शेयर किया है और जैसे जैसे मैं करती रहूँगी और वही आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं बेसन को अच्छी तरह से घोल रही हूँ जितना हमको चाहिए, अभी ये बहुत गाढ़ा था और उसके हिसाब से जो है मैं उसको पानी डाल के और थोड़ा सा पतला करके रख लूँगी। और तब तक जो है अपना कढ़ाई में डाल देते हैं तेल और पहले कर लेते हैं आलू को मैश, जो आलू जो ब्रेड के बीच में जो हम लोग लगाएंगे तो वो आलू वाले बना लेते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे हींग डाली है और जो सूखा धनिया होता है उसको जो अच्छा दरदरा मतलब कूट के और वो इसमें डाला है, और डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू और हाथ से मसल के ही डालूँगी, इसको कद्दूकस नहीं करूँगी बस ऐसे ही। और उसके बाद जो इसमें जाएंगे सूखे मसाले और जो जो जाएंगे वो मैं भी बताती जाऊँगी आगे कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं कुछ डाला है, नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं और बस वही सब डालूँगी। ये देखिए ये रहे मेरे आलू और इसको मैं डाल चुकी हूँ और तेल के अंदर, इसमें तेल में हींग और धनिया दरदरा कूट के मैंने डाल लिया है और अब इसमें डालूँगी मसाले। और वो क्या क्या मसाले जाएंगे पहले इनको अच्छी तरह से मैं कर लेती हूँ मिक्स, और इसके साथ साथ जो है इनको तोड़ भी लेंगे, जो थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े हैं उनको अच्छे से मैश करना है। इसी चम्मच से जो है मैं कर लूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैशर का इस्तेमाल करने से अच्छा है चम्मच से ही कर लो। ये देखिए मैंने चम्मच से कर रही हूँ अच्छी तरीके से, इसको मैश करने के बाद अब इसमें जाएंगे मसाले। और देखिए यहाँ पे जो है आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब इसमें जाएंगे मसाले। ये है कुटी लाल मिर्च जो कि मेरे डब्बे में थोड़ी थी तो मैंने सारी डाल दी थी, और इसके अलावा जाएगा जीरा पाउडर
और इसके और जाएगा धनिया पाउडर। मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने रखे हैं जैसा हमको चाहिए था, और बस उसके हिसाब से जो सिंपल मसाले जो घर के हैं वही सब डाले हैं। इसमें डाले हैं खटाई, चाट मसाला, और ये देखिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके अलावा जो है आप धनिया और हरा धनिया और मिर्ची, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, और इसी से काफ़ी जो है टेस्ट आ जाता है। और ये सूखे मसाले डालने के बाद इनको मैं करूँगी अच्छी तरह से मैश, और बस अब इसमें आखिरी में जाएगा नमक, और ये जो है इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छी तरह जब ये पक जाएगा, मसाले अच्छी तरह पक जाएंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो हम गैस कर देंगे बंद, और उसके बाद बनाएंगे अपने ब्रेड पकौड़े। और अब जो है कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। मैं बनाऊंगी इसे सरसों के तेल में, क्योंकि पकौड़े वगैरह जो हैं वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए तेल जा चुका है कढ़ाई में, अब इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं, और तब तक मैं जो ब्रेड जो है उसमें लगा लेती हूँ आलू और पनीर, और उसके बाद बेसन की फोर में डाल के इनको कर लेते हैं फ्राई। और ये देखिए दूसरी साइड में मेरी चाय भी बन रही है, तेल गरम हो चुका है मेरा, ब्रेड के बीच में आलू और पनीर जो है मैंने लगा लिए हैं, और तो चलते हैं अब इन्हें डालते हैं बेसन के घोल में डिप करके। और मैं एक एक करके ही बनाऊंगी क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है, और एक एक करके ये सीखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपने ब्रेड पकौड़े। देखिए बन चुके हैं यहाँ पे मेरे ब्रेड पकोड़े, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आज मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी, वरना मैं इसके बीच में ग्रीन चटनी भी लगाती तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस बन जाते, लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और खाने में भी जो है काफ़ी टेस्टी बने थे, बच्चों को काफ़ी पसंद आए। और चलिए लेके चलते हैं अब इनको अंदर, चाय मेरी बन चुकी है, चाय के साथ ब्रेड पकौड़े खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम जो है उसकी डिमांड यही है कि हमें पकौड़े खाने हैं। तो आज हमारे बने हैं ब्रेड पकोड़े जो कि बहुत अच्छे बने हैं, तो चलिए टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए अपनों के साथ, टिल देन बाय बाय।